नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली के महरौली इलाके से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर पिछले 5 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। लोगों की सालों की मेहनत की कमाई, सपनों का घर, दुकानें एक झटके में जमींदोज कर दिए गए। हालांकि अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक महरौली में बुलडोजर की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विकास सदन में डीडी अधिकारी और जो फ्लैट के मालिक हैं वो दोपहर 3:30 बजे आपस में बैठक करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बैठक में फ्लैट के मालिक डीडी अधिकारियों को फ्लैट के जो मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, वो दिखाएंगे। डीडी अधिकारी उन पर अब फैसला लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 16 फरवरी को अब होगी। इससे पहले महरौली में पांचवें दिन अगर आज की बात की जाए तो आज भी डीडीए का अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है वो जारी रहा, जिसके चलते लोगों की चीख पुकार भी सुनी गई, लोगों के जो बेबसी है वो भी देखने को मिली। तो करीब दर्जन भर मकान और दुकानें जो हैं उन्हें आज जमींदोज कर दिया गया और सवाल उठता रहा कि क्यों ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और झटके में कैसे लोग सड़कों पर आ गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा सलूजा ने 10 साल पहले महरौली चौक की ये दुकान 12 लाख रुपए में खरीदी थी। अब पता चल रहा है कि दुकान डीडीए की जमीन पर थी। पति और पत्नी पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। टाइप करते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे बनाया हम लोगों ने। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी पेपर से, हमारे बच्चों की एजुकेशन रह जाएगी, हमें तो यही टेंशन खाए जा रही है। सीमा सलूजा की दुकान चली गई और बलसाला मनोज के 2 फ्लैट्स। बिल्डिंग की लाइट पहले ही काटी जा चुकी है। बुलडोजर उनके फ्लैट्स की ओर लगातार बढ़ रहा है। अब आनन फानन में वो अपना बचा सामान समेट रहे हैं। रजिस्ट्री के कागजात लिए कोर्ट से लेकर डीडीए तक गए, लेकिन सब बेकार। इसकी रजिस्ट्री हुई थी, इनकी लोन हुआ था, नेशनलिस्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से इनके लोन दिए थे। इसकी रजिस्ट्री का खुद एनओसी मैंने डिफरेंट ऑफिस में जाके यहाँ का जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंटेशन जो करता उसकी जो एजेंट के थ्रू में मैंने खुद ईच एंड एवरी ऑफिस में जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में मुझे बैंक ने लोन अप्रूव किया है। लोन इसलिए हमने जो अप्रूव किया था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई 420 का है, अगर कोई प्रॉपर्टी ठीक नहीं, उनका चेन ठीक नहीं, ऑफकोर्स हमें लोन तो मिलेगा नहीं। जब एक नेशनलिस्ट बैंक मुझे पास करके 8 में मेरा कटिंग भी चल रहा है, मुझे ये मिल समझ उसको ट्रस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर आई पेड ऑल द स्टैम्प ड्यूटी की है, हमारे पास में हमारा एड्रेस में पता, हमारा पते में सब कुछ आ जाता है। और इस जो प्रॉपर्टी के अंदर में क्लियरली लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव परचेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महरौली में भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस तैनात है। धरने प्रदर्शन से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके लोग अब हताश हैं। बुलडोजर पांचवें दिन मुख्य सड़क से अब इन गलियों में आ गया है। 70 साल की रुकैया ने बुलडोजर घर के बाहर देखकर अपने को घर में बंद कर लिया है। ये आप देखिए कि ये रुकैया बेगम ने अपने को अंदर बंद कर लिया है। बुलडोजर आप देखिए कि उनके मकान के बाहर खड़ा है और अब जो है वो ये अतिक्रमण एक दूसरे फेज में प्रवेश कर गया है। विधवा पेंशन और किराए के सहारे रहने वाली रुकैया बेगम बदहवास हैं। कभी सरकार तो कभी पुलिस को कोस रही हैं। कहाँ जाऊँ बताइए आप लोग, किसके यहाँ जाकर रोटी कोई देगा? दे रहा रोटी कोई मुझे है? या सड़क पर बैठ के भीख मांगो, एक में 2 रुपए भी कोई भिखारियों को नहीं देता आजकल। कौन देता है आजकल बताइए आप मुझे, कोई है देने वाला? तोड़ने के लिए तो सारी पब्लिक इकट्ठा है। चला दिया अभी लोड, चलाओ तोड़ो, जब पैसा लगता है तब पता चलता। दरअसल डीडीए राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर 10 फरवरी से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन लोगों को राहत अब भी नहीं मिल पा रही है। महरौली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश वर्मा है हमारे साथ, जो बीजेपी से हैं नेता, और सोमनाथ भारती हैं जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। सोमनाथ जी, पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। लोगों की चीख पुकार पिछले 5 दिनों से हम सुन रहे हैं दिल्ली के महरौली में, क्या कुछ लोगों पर बीत रही है। सालों की कमाई, जो लोग वहां पर सालों से रह रहे हैं, सपनों के घर उनके इस तरह से तोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? अब तो चलिए हाईकोर्ट से 2 दिनों का स्टे यहां पर मिल गया है कि 16 तारीख तक रोक लगा दी गई है, लेकिन आपका इलाका है वहां पर ये आरोप बार बार उठ रहे हैं
हैं वहां पर कि ये राजस्व विभाग रजिस्ट्री आखिर क्यों करता रहा वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सारे डिमोलिशन एक्सरसाइज का जो आधार था डिमार्केशन रिपोर्ट, वो डिमार्केशन रिपोर्ट इन्होंने रेवेन्यू ऑफिस को मिसयूज करके बनाया, क्योंकि डिमार्केशन जो होता है उसके तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला यह है कि भाई उसमें जिस किसी व्यक्ति का घर जाएगा, चलो उस जमीन पे जो बैठा हुआ है आज की तारीख में, उसको पार्टिसिपेट करना जरूरी है उस डिमार्केशन प्रोसेस में, उसको दिखाना जरूरी है कि भाई आप किस हक से बैठे हुए हो, आपके पास क्या कागज है। ये डिमार्केशन के अंदर कुछ नहीं किया गया। डिमार्केशन रिपोर्ट जब बनती है उसको फिर पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं कि भाई इसको इसकी स्क्रूटनी हो, इसमें क्या कमी है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो पुराना डिमार्केशन रिपोर्ट था उसमें जो गैर आबादी इलाके में डिवाइडिंग लाइन था, लाइन जो डिवाइड करता है डीडीए लैंड को प्राइवेट लैंड से, उसको किसके कहने पे, एलजी साहब के कहने पे, भाजपा के कहने पे, किसके कहने पे उस लाइन को गैर आबादी इलाके से आबादी इलाके में मूव किया गया, जिससे कि बहुत सारे घर चपेट में आ गए। ये तीन आधार पे हमने माननीय केजरीवाल साहब को ये बात बताई, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि पहला जो डिमार्केशन रिपोर्ट बनाया था इन्होंने, जो डिमोलिशन चल रहा था, उसको बगैर किसी मंत्री को बताए इतना बड़ा एक्शन ले लिया रेवेन्यू ऑफिस ने, एलजी साहब कहने पे, बगैर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए ये बना दिया। और जब मुख्यमंत्री ने हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को बताया कि भाई ये गलत हुआ है, उस पर जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने लिखित में ऑर्डर पास किया कि ये डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है, इसको हम खारिज करते हैं, आप नए तरीके से डिमार्केशन करो, इस मुद्दे पर जब एलजी साहब से मिले तो एलजी साहब ने कल तो मना कर दिया था, लेकिन आज कहते हैं हाँ सोमनाथ भारती ठीक कह रहा था कि ये डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है, लेकिन जब हम शुरू में कह रहे थे कि डिमार्केशन रिपोर्ट फॉल्टी है, क्यों नहीं माने ये बात? तो ये भाजपा के द्वारा गरीबों से जो छत छीनने का प्रयत्न चल रहा है पूरी दिल्ली में, ये बहुत निंदनीय है। आज मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्रीय विधायक नरेश यादव का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, लेकिन मैं महेश जी की भी उस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन महेश जी की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी सोमनाथ जी, लेकिन बात यहाँ पर यही है जी सोमनाथ जी, लेकिन बात यहाँ पर यही है, आप कह रहे हैं डिमार्केशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो अगर गलत हुआ है तो फिर रजिस्ट्री क्यों हुई है? यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी अदिति जी, कि डिमार्केशन रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू विभाग पूर्ण रूपेण केजरीवाल जी के अंतर्गत आता है, इसके बावजूद भी एलजी साहब ने हस्तक्षेप करके, जो कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और रेवेन्यू ऑफिस को अपने कब्जे में लिया और केजरीवाल जी के आदेश को मानने से मना करवा दिया। ये बहुत दुखद है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का आदेश नहीं माना जा रहा है, इसके लिए भाजपा दोषी है, संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसके लिए भाजपा दोषी है, जी, आज संविधान शर्मसार कर रहा है। महेश जी, सोमनाथ जी को सुना आपने यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार जो फैसले लेती है वो यहाँ पर सुनने नहीं दी जाते, एलजी साहब तो कोई बात ही नहीं सुनते। आपने भी यहाँ पर लोगों की चीख पुकार सुनी होगी महेश जी, लोगों पर क्या कुछ बीत रही है इसका अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं। महेश जी सुन पा रहे हैं आप? महेश जी से हम दोबारा यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से आमने सामने का खेल जो चल रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में, इससे कहीं ना कहीं दिक्कत साफ तौर पर ये आ रही है कि लोग जो हैं, जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो कागज दिखा रहे हैं वहां पर, लेकिन बावजूद उसके कई लोगों को जबरदस्ती कॉलर पकड़कर वहां से बाहर कर दिया गया, ये तस्वीरें भी हमने देखी यहां पर। सोमनाथ जी, ये आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि लोग वहां पर आज कोई मिलने नहीं पहुंचा, पांचवा दिन था, लोग आंसुओं से रो रहे हैं वहां पर, लोगों की किसी की दुकान तोड़ी जा रही है, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो पूरे कोरा पूरा काम तो आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं पिछले पांच दिन से ना तो सोया हूं, ना खाया हूं, ना पिया हूं। नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में, कैलाश गहलोत के संज्ञान में, एलजी साहब के संज्ञान में, हम ही तो लेके आ रहे हैं, हाईकोर्ट भी तो हम ही गए। महेश जी जुड़ गए सोमनाथ जी, एक बार महेश जी की प्रतिक्रिया ले लूं, उनका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा था। महेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार के फैसले माने नहीं जाते, सोमनाथ जी साफ तौर पर कह रहे हैं। जब डिमार्केशन चल रहा था तब डीडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को ये पता चलना चाहिए और एनडीटीवी के दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि ये किस तरह का घड़ियाली आंसू है, या सोमनाथ जी का हो, या अरविंद केजरीवाल जी का हो, या आम आदमी पार्टी का। 2015 में जो ऑर्डर आया और उसके तहत एक 2017 में जो कमेटी बनी और उस कमेटी के बाद जो डिमार्केशन 2021 में हुआ, उसको इन्होंने कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया,
किसी प्रकार से इन्होंने अपोज नहीं किया। मुख्यमंत्री को आज याद आया राजनीति करने के लिए, गरीबों के इस आंसू को मतलब इन लोगों ने मजाक बना दिया। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि डिमार्केशन गलत हुआ है। कब हुआ डिमार्केशन? इस तरह के झूठ बोल के, इस तरह के घड़ी। देखिए सोमनाथ जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं चुप से शांति से, आप समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अकेला आदमी है, आराम से सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस चीज को आपने कब चैलेंज किया? आपका कब गए कोर्ट के आगे? आपने कोर्ट के आगे, आप इतने बड़े आज मशिया बनने जा रहे हैं उन झुग्गी वालों के, उन लोगों के जिनके घर टूट रहे हैं, आप जाते ना, आप वकील आदमी है, आप कोर्ट के अंदर कहते कि ये डिमार्केशन गलत हुआ है, फॉल्टी डिमार्केशन है। अरे एलजी साहब के सामने जाके मैंने कहा कि फॉल्टी डिमार्केशन है और उन्होंने भी माना, एलजी साहब के ऑर्डर से ये सब हो रहा था। महेश जी, एक खसरे नंबर पे कई कई रजिस्ट्री हो चुकी है, ये बात तो अब तक आप लोगों तक पहुंच गई होगी। पिछले पांच दिनों में क्या क्या खामियां हुई हैं डीडीए की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी के सामने भी आ चुका होगा और बीजेपी के सामने भी आ चुका होगा। अदिति जी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर एकमात्र कोई आदमी जिम्मेवार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रजिस्ट्री को कौन देखता है, उसको किसके मातहत आता है रजिस्ट्री? वो सवाल हमने उनसे पूछा है, हम उन पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो महेश जी, सवाल फिर ये भी आएगा ना कि डीडीए क्या सो रहा था जब ये डिमार्केशन चल रहा था। और मजेदार बात सुनिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो भी इस डिमोल्यूशन के लिए गया था, वो भी पिटीशन जो इनके अंडर है। ये किस मुंह से, ये अपने आप को ये फेस सेविंग करने के लिए, ये जो घड़ियाली आंसू है ये जो निकाल रहे हैं किसी तरह से, इनके रहते हुए अक्षरधाम में क्या हुआ था आप याद करिए, जब चुनाव था 2015 में तो मनीष सिसोदिया जाके लेट गए थे, जब चुनाव जीत गया उसके बाद क्या हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था। दिल्ली में आज जितनी भी झुग्गियों का इनके पास जो है, मतलब हजारों हजार फ्लैट बने हुए हैं, इन झुग्गियों वालों को दे नहीं रहे। ये नरेला में जाके देखिए आप, उधर आप मेहरोली में तो महेश जी लोग कह रहे हैं कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, बावजूद उनके उनको धक्के मारकर हटा दिया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में सरकार, देश में हमारा संविधान भी कहता है कि हम जो है वेलफेयर का सरकार काम करती है। अगर इनके पास इतना ही है, अगर हमदर्दी इतने बड़े मशिया है, तो इनको इमीडिएट अलॉट करना चाहिए। हजारों, आदित्य जी आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, हजारों हजार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं जो डीएसआईडीसी के ऐसे बना के छोड़ा हुआ है। क्या मतलब बनता है, मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, सारे सिस्टम को ये तहस नहस करके बैठे हुए हैं। कोर्ट के आदेश को ये लोग कहते हैं क्या कि एलजी साहब ने नहीं माना? अरे भाई, तुम्हारे अंदर अगर हमदर्दी है, तुम इनके वोट लेते हो, इनका सपोर्ट लेते हो, इनसे सब कुछ करते हो और सरकार बनाते हो, और उसके बाद जब इनको मदद करने की टाइम आती हो तो तुम सो जाते हो। महेश जी, लगता तो यही है, सारा मामला यही है कि वोट के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, वोट के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। क्योंकि जब असली में जमीन पर लोग जो कुछ झेल रहे हैं, वहां पर तो कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा, ना ही आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, ना ही बीजेपी नजर आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, हम इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी तरह से आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी तरह से एलजी को नहीं झुठला रहे हैं। एलजी के साथ आपके तलक रिलेशन है तो आप एलजी को गुनाहगार बना दीजिएगा। महेश जी, ये सवाल तो उठेंगे ना, डीडीए किसके अधीन में आती है? महेश जी, डीडीए किसके अधीन में आता है बताइए? डीडीए ने, आदित्य जी स्पष्ट रूप से डीडीए का स्टेटमेंट आपके दर्शकों के सामने आना चाहिए। डीडीए ने क्या कहा है? डीडीए ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस बोर्ड में दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी हैं जो इस डेमोलिशन के ऊपर अपना अप्रूवल दिए हुए हैं। क्या मतलब बनता है इसका? और सोमनाथ जी आके ये आपके दर्शकों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, मिसलीड करेंगे, क्या ये चैनल इसी के लिए है? क्या ये बात मुझे बताइए सोमनाथ जी, नहीं यहाँ पर सोमनाथ जी मैं फिर से वही वाली बात लेकर आ रही हूँ जो बात महेश जी उठा रहे हैं कि जब राजस्व विभाग जब ये कर रहा था, जब रजिस्ट्री हो रही थी तो रजिस्ट्री पर गलतियां हुई हैं, ये बात मैं महेश जी पर भी उठा रही हूँ सवाल, और ये सवाल आप पर भी उठा रही हूँ कि जब एक एक खसरे पे कई कई रजिस्ट्री हुई है तो कोई तो होगा इसकी जवाबदेही तय करने वाला, किसकी गलती हुई है ये? आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस जमीन पे ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन है ही नहीं, वो प्राइवेट जमीन है। रजिस्ट्री की बात तो बाद में आती है। जब प्राइवेट जमीन पे मकान बने हुए हैं तो ये कौन होते डिमोलिश करने वाले? डीडीए का सो रहा था, डीडीए ने क्या जो 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 उसकी जमीन है उसकी चौकीदारी कौन करेगा? तो आज के तारीख में मैं ये बात कह रहा हूं, डीडीए ने जो जमीन बताया कि मेरा है वो कहीं नहीं, क्योंकि डिमार्केशन गलत हुआ है।
अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो कहा है, मैं आप दोनों की एक एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाह रही हूँ। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि बैठक होगी, फ्लैट के जो मालिक हैं और जो डीडीए के अधिकारी हैं उन्हें फ्लैट के मालिकाना हक से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो दिखाए जाएंगे, उसके बाद डीडीए के अधिकारी उस पर फैसला लेंगे। महेश जी, अब आपको क्या लग रहा है, अब आगे किस तरह से बढ़ेगा मामला, क्योंकि दर्जनों घर और दुकानें जो है वो तोड़े जा चुके हैं। देखिए अदिति जी, स्पष्ट मेरा मानना है कि ये कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का विषय है। हाई कोर्ट ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी। ये बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, ये बेफिजूल की जो है ना एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट जो कहेगा कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो बनता है, अधिकारियों को भी वही करना होगा, डीडीओ को भी वही करना पड़ेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी वही करना होगा, एलजी को भी वही करना होगा, मुख्यमंत्री को भी वही करना होगा। ये जो है अपनी इसके ऊपर अपनी राजनीति रोटी सेकना बंद करें, इस तरह की कवायद करने के बजाय ये कोर्ट में जाएं और अपने ये उस चीज उस दलील को पेश करें। कोर्ट इनको समझा देगा कि तुम्हारी दलील में कितना दम जी, क्या मतलब बनता है जी, आपकी आपकी आखिरी इस तरह के दुष्प्रचार के। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डिमार्केशन जिसके आधार पर सारा डिमोलिशन चल रहा था उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है, इनको फिर से डिमार्केशन करना पड़ेगा। उस डिमार्केशन में जो लॉफुल प्रोसेस है कि जो जो लोग जमीन पे बैठे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे जी। उनकी जो ऑनरशिप उसको सर्टेन की जाएगी, उसके बाद उस डिमार्केशन को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा, उस पर स्क्रूटनी उसकी स्क्रूटनी होगी। और तीसरी बड़ी बात, जो गैर आबादी से आबादी में लाइन शिफ्ट की गई है उस लाइन को वापस लाया जाएगा, उसके बाद ही इसमें कोई फैसला ढंग से आ सकता है। और डीडीए को बात समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू ऑफिस का मालिक एलजी नहीं है, सीएम है, और सीएम की कहना डीडीए को मानना पड़ेगा, रेवेन्यू के अधिकारियों को मानना पड़ेगा। एलजी साहब सर्विसेज डिपार्टमेंट का मिसयूज कर रहे हैं, अधिकारियों को इलीगल आदेश दे रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सोमनाथ भारती जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रियां जब हो रही थी तब राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर महेश जी, सोमनाथ जी, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे दर्शक भी यहाँ पर साफ तौर पर समझ रहे हैं कि किस तरह से आए दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है अलग अलग मुद्दों पर आमने सामने आते हैं जब, लेकिन इस तरह के मामले होते हैं, इस तरह के मसले होते हैं जिसमें लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, तब थोड़ी और संवेदनशीलता शायद दिखाने की जरूरत है इसके कि आप एक दूसरे के आमने सामने आए, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। अब देखते हैं जब 16 फरवरी को सुनवाई होगी इस मामले में तब क्या कुछ होगा। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां के एक मामले ने सबका दिल दहला दिया है। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में एसडीएम, लेखपाल, स्टेशन ऑफिसर, जेसीबी के ड्राइवर समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि हत्या और हत्या की कोशिश जैसी धाराएं लगाई गई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये मामला है, किस तरह की धाराएं इस पर लगाई गई हैं। परिवार का कहना है कि कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से रंजिशन आग लगाकर दो लोगों की हत्या की गई है। पहले परिवार गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा था, लेकिन अब परिवार ने पुलिस को जांच के लिए शवों के जो अंतिम अवशेष हैं वो सौंप दिए हैं, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी शवों की कि वो पूरी तरह से जल गए थे मां बेटी के शव। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, एक बहुत ही दुखद खबर कानपुर देहात से आई, किस तरह से माँ बेटी जो है वहां पर जिंदा जल जाती है, परिवार रंजिशन ये सब हत्या करने का आरोप यहाँ पर लगा रहा है, कई लोगों पर यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, लेखपाल और एसडीएम सस्पेंड भी हुए हैं सौरभ, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल रही है, हुआ क्या है और अब आगे क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए दीदी, अब जो कई सवाल आपने पूछे हैं इसका एक एक करके जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि जो कमेटी बनाई है वो जो एसडीएम की भूमिका है, क्योंकि परिवार का ये आरोप है कि एसडीएम, लेखपाल और गांव के कुछ लोगों ने मिल करके उस झोपड़ी में आग लगा दी जिसमें महिला और उनकी बेटी की मौत हो गई, बहुत बुरी तरीके से झुलस गए उनके सब शव, और साथ में एक जो महिला का पति है उनको भी चोटें हैं, उनको भी बर्न इंजरीज हैं। तो उनकी जो भूमिका है, प्रशासन की भूमिका है, उसकी जाँच की जाएगी। मुकदमा कर लिया गया है, धारा 302, 323, 307 इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम भी है उसमें, जेसीबी का ड्राइवर भी है, क्योंकि एक वीडियो है जो हम दिखा भी रहे हैं, उस वीडियो में दिख रहा है कि झोपड़ी में आग लग गई है, कुछ पुलिस के लोग हैं वो उन महिलाओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और झोपड़ी में आग लगी हुई है,
तब भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो इतनी ही ज्यादा असंवेदनशीलता की गई है जो उस वक्त मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जबकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो बुलडोजर है वो गरीबों के झोपड़ी पर नहीं चलने चाहिए। अब उस पूरे मामले की बात करें तो जो गांव के कुछ लोगों ने आलोक दीक्षित और शिवम दीक्षित के खिलाफ ये मुकदमा दिया था, जांच कराने के लिए कही थी कि उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, इसको लेकर के एक टीम पिछले महीने जनवरी में भी गई थी अतिक्रमण हटाने के लिए और उनको बोर्ड के आई थी कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए वरना हम हटाएंगे। लेकिन जब कल इनकी पूरी टीम पहुंची तो बिना किसी जानकारी के वहां पर पहुंचे हुए थे और बिना जानकारी के पहुंचे हुए थे। और सोचिए जब ये पूरी घटना हो गई उसके बाद पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था वो महिला को जब वो जल गई महिला तो वहां से वो लोग भाग गए, फरार हो गए, जेसीबी भी छोड़ के चले गए, पुलिस वाले भी छोड़ के चले गए। उसके बाद में जब पुलिस अधिकारी आए तो जो एसपी ग्रामीण है यहाँ के कानपुर के एसपी ग्रामीण, उनकी बाइट ये आती है कि हमें ये जानकारी मिली है जो शुरुआती उसमें महिला और उसकी बेटी ने कोठरी में बंद करके आग लगा ली। पहले इनका गैर जिम्मेदाराना बयान आता है, फिर लोगों में रोष जाता है और फिर कानपुर के मंडल आयुक्त हैं या एडीजी इलाके के हैं, रात भर कैंप करते हैं और लोगों को समझाते हैं, फिर भी अब जाकर के शाम को लगभग 4 बजे के करीब परिवार माना है कि वो जो अवशेष बचे हुए हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए सब प्रशासन को सौंप दिया है और उसके बाद कल या फिर जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाता उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी जो FIR की गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार अभी यही मांग कर रहा है कि जो आरोपी हैं, जो उनके गांव के दूसरे लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा, SDM लेखपाल और जो पुलिस के लोग थे वहां पर, JCB का ड्राइवर था, उन सबकी गिरफ्तारी की जाए। अदिति बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं और तस्वीरें भी वही बात बयां कर रही थी कि किस तरह से जिस वक्त वो आग लगी पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं लेकिन कोई भी आग बुझाता हुआ नजर नहीं आया, उल्टा वहां से लोग चले गए और बाद में ये बात सामने आई, ये आरोप लगाया गया जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था कि उन दोनों ने आग लगा ली। देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ की जाएगी अगर दोषी पाए जाते हैं तो। फिलहाल देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इनकम टैक्स वाले क्यों पहुंचे हैं BBC के दफ्तर। और अब खबर जो आज दिन भर सुर्खियां जिसने बटोरी है, BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे किया है। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित BBC के दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम सुबह 11:30 बजे पहुंची, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए, अब से कुछ देर पहले उनके फोन वापस कर दिए गए हैं। सबके डेस्कटॉप कंप्यूटर की जांच भी की गई है और ये भी जानकारी मिल रही है कि बीबीसी दफ्तर में मौजूद डेस्कटॉप पर टैक्स लिखकर सर्च किया गया। जिनकी जांच हो गई है उन कर्मचारियों को बाहर जाने दिया गया है। अफसरों ने बाद में BBC कर्मचारियों से अपना काम जारी रखने के लिए भी कह दिया है। उधर मुंबई में भी BBC दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची और वहां पर भी कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलो आप लोग फोन रखो, आराम से बात करो। फोन गेट खुलवा रहे ऐसे 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हो लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे। वारंट आपको पता है तो वो शुरुआती आपने देखा, ये जब बहस हुई है ये शुरुआत में जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जो हैं वो दिल्ली के दफ्तर में पहुंचे थे उस वक्त की बातचीत है। हमारे दो सहयोगी हमारे पास साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, सुनील सिंह हैं मुंबई से और मुकेश सिंह सेंगर हैं जो दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुनील, इस वक्त जानना चाहेंगे मुंबई में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या ये सर्वे खत्म हो चुका है, जा चुके हैं इनकम टैक्स विभाग के लोग या अभी भी वहीं पर हैं? देखिए ये सर्वेक्षण है जो हमें बताया, जो जानकारी है कि जो ऑफिस टाइम है उसमें ही ये किया जाता है ऑफिसर दफ्तर में। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकम टैक्स के अधिकारियों की न गाड़ी निकली है न तो किसी कोई जो BBC का कोई एम्प्लॉई या कर्मचारी है यहाँ से निकला है, ये अब तक की स्थिति है। ये मानकर फिलहाल चल रहे हैं कि अभी भी जो है कि कार्रवाई जो है उनकी सर्वेक्षण की कार्रवाई वो जारी है और यहाँ इंतजार हो रहा है कि अगर कोई बाहर आए तो कुछ जानकारी मिल पाए, क्योंकि जो जानकारी यही है कि सभी को अभी भी अंदर रखा गया है, बाहर आने की इजाज़त नहीं है, जब तक कि पूरा वो डाटा डम नहीं कर लेते, पूरी कार्रवाई उनकी आज की खत्म नहीं हो जाती तब तक सभी को वहीं
अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर मुंबई की हम बात करें तो इंतजार किया जा रहा है कि कुछ अंदर से अपडेट मिल पाए या फिर कोई कर्मचारी एम्प्लॉय बाहर निकलने शुरू हो या फिर क्या सभी के, जैसे कि दिल्ली में बताया गया कि सभी के फोन वापस कर दिए गए हैं और बताया गया कि अपने काम पर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये यहाँ पर न्यूज़ नहीं हुआ करता था, यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनती है जो कि बीबीसी स्टूडियो है यहाँ पर, और जो एक जो फाइनेंस ऑफिस है, अकाउंट का जो ऑफिस है, तो बहरहाल यहाँ पर जानकारी उस तरह की नहीं आई है। ये मानकर चला जा रहा है कि अभी भी अंदर सर्वेक्षण की कार्रवाई चल रही है। जी मुकेश, दिल्ली अब हम रुक करेंगे यहाँ पर। मुकेश, इस वक्त दिल्ली के दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जानकारी आई कि टैक्स लिखकर, जिनके डेस्कटॉप जो थे वहां पर टैक्स लिखकर सर्च किया गया, वहां पर भी अभी भी टीम बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, अभी भी टीम यहाँ पर बनी हुई है। सुबह 11:30 बजे टीम यहाँ पर पहुंच गई थी। 7 घंटे का वक्त बीत गया है, उसके बाद भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो अभी बीबीसी के दफ्तर के अंदर हैं, और हालांकि जिन कर्मचारियों के फोन उन्होंने लिए थे वो फोन वापस कर दिए गए हैं, और जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी जो सर्वे है वो किया जा रहा है। दरअसल जो सर्वे और छापेमारी होती है उसमें ये डिफरेंस होता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे करता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट वो जब्त यानी सीज नहीं करता है, जब छापेमारी होती है तब जो है डॉक्यूमेंट्स या जो लैपटॉप वगैरह है वो सीज किए जाते हैं। तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले हैं या जो मोबाइल का डेटा है या लैपटॉप का डेटा है उसको इनकम टैक्स के अधिकारी ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने डेटा में, अपने जो उनके पास जो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर उसकी स्टडी होती है कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ है, जो यह डेटा मिला है इसमें और क्या कुछ हो सकता है, उसके बाद फिर आगे का जो एक्शन होता है वो होता है। तो आज जो है यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, और सर्वे में क्या कुछ मिला है, क्या डेटा इकट्ठा किया गया है, उसमें क्या है, ये हमें देखना होगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का उल्लंघन किया है बीबीसी ने, और साथ में जो प्रॉफिट हुआ है उसको, उस प्रॉफिट को डाइवर्ट किया है बिना टैक्स चुकाए हुए। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि बीबीसी ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी जांच चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उस जांच में वो सहयोग कर रहे हैं, और ज़्यादा कोई डिटेल्स अभी फिलहाल या तो बीबीसी की तरफ से या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, मुकेश आपका भी और सुनील आपका भी। तो दोनों ही दफ्तरों में, चाहे वो दिल्ली का दफ्तर हो बीबीसी का, चाहे वो मुंबई का दफ्तर हो, दोनों में अभी भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जो है वो बने हुए हैं, उनका सर्वे अभी भी जारी है। हालांकि कर्मचारियों से काम करने के लिए कह दिया है। यहाँ एडिटर्स गिल्ड जो है उसने इस सर्वे को चिंताजनक बताया है और कहा है कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अवैध हथियारों की बरामदगी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब इन अवैध हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में अवैध हथियारों पर स्वतः संज्ञान लेकर यूपी सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की रिपोर्ट। ये सारे गैर कानूनी हथियार उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके से बरामद किए गए। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो इन हथियारों को दिल्ली समेत देश के कई अन्य इलाकों में भेज रहे थे। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों के मामले में देश में टॉप पर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में देश में कुल 71,458 अवैध हथियार पकड़े गए। अकेले यूपी में ही 33,178 की बरामदगी हुई, जो देश में बरामद किए गए हथियारों के 46% हैं। लेकिन यूपी का गन कल्चर अब सुप्रीम कोर्ट से छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है। भारत अमेरिका नहीं है जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार है। यूपी सरकार बताए कि इस सिलसिले में कितने केस दर्ज हुए हैं, साथ ही गैर लाइसेंसी हथियारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने, कल एक बेल मैटर चल रहा था तो उस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों अनलाइसेंस फायर आर्म्स इतने आराम से इस पार्ट ऑफ द कंट्री में यूज़ होता है। तो उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए
स्टेट ऑफ यूपी को नोटिस इशू किया है और कहा है कि आप इसकी रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बारे में एफिडेविट भी देंगे। इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं जहां पे बहुत आराम से यूज़ हो रखा है आपका, और उसको रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर भीतर देने के लिए कोर्ट ने उनको बोला है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कदम हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है। अब यूपी सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। यूपी में गन कल्चर को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार यूपी सरकार की ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है। हापुड़ से अदनान के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।